हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्प गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल के चार्जर से सोल्डर वगैरह बनाना सिखाऊंगा, वो भी घर पे फ्री में आप बन जाता है। चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मोबाइल का चार्जर ले लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक मोबाइल चार्जर, इसमें हमें रेजिस्टेंस को निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 10K का रेजिस्टेंस है। मैं आपको इसका कलर कोड बता देता हूँ, ब्राउन ब्लैक ब्लैक इसका कलर कोड है। तो आप सिंपली गूगल में भी जाकर सर्च अगर करोगे तो ये कलर कोड आपको मिल जाएगा। और हमें कॉपर वायर ले लेना है। ये मेरे पास ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर है। अगर आपके पास चार्जर का कॉपर वायर होगा ट्रांसफार्मर वाला, तो सिंपली आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो हमने इसे रख दिया बगल में। तो अब आपको सिंपली सबसे पहले इसे निकाल लेना है। तो गैस मैं यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक कील को इसमें फिट कर दिया है। आपको यहाँ पर भी इसे आपके, अगर आपके पास कील नहीं है तो सिंपली आप इसके जगह स्क्रू भी यूज कर सकते हो। स्क्रू अगर आप लगाओगे तब ये आसानी से सोल्डरिंग वर्क करेगा। तो इससे आप यहाँ पर लगा सकते हो लकड़ी में। तो मैं सिंपली अभी कील का ही यूज करूँगा। तो गैस सबसे पहले हमें इसे ऊपर वाला जो पिन रहता है उसे हमें कट कर देना है। सोल्डरिंग के जैसा ही, जिस तरह सोल्डरिंग असली में होती है उस टाइप में आपको कट कर लेना। और हमें यहाँ पर सिविल पाइप ले लेना है। यह आपको आसानी से 10 रुपये में मिल जाएगा, बहुत लंबा ये रहता है। और हमें वायर ले लेना है। ये मेरे पास कॉपर वायर है। अगर आपके पास जो वायर होगा सिंपली आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी में लगाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हमें जो ये रेजिस्टेंस है इसे हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो मैं सिंपली इसे निकाल लेता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सोल्डरिंग आयरन। अगर आपको भी सिंपली इसे बनाना है तो आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हो। तो सिंपली अब हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो गाइस इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी में भी सोल्डर कर दोगे तो ये अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। अब हमें कॉपर वायर के जो ऊपर में कवर होती है सिंपली उसे हमें निकाल देना है। आपको ब्लेड की मदद से निकाल सकते हो या आपके पास चाकू होगा सिंपली आप उसकी मदद से भी इसे साफ कर लेना, तब ये वर्क करेगा। क्योंकि कॉपर वायर के जो ऊपर में प्लास्टिक से पैक किया हुआ रहता है जिससे ये शॉर्ट नहीं होता। तो सिंपली हमने अब इसे ऊपर का जो कवर है उसे हमने निकाल लिया है। अब हमें रेजिस्टेंस के ऊपर में इसे मोड़ देना है। आपको पूरी मोड़, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो हीट होगा तो आपको सिंपली इसे पूरा कॉपर वायर को इसमें मोड़ देना है। क्योंकि रेजिस्टेंस जब गर्म होगा तो ये पूरी तरह से काला हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप डायरेक्ट अगर इसे यूज करोगे तो ये सोल्डरिंग को पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर कॉपर वायर को लगाना होगा। तो हमने अब इसे यहाँ पर मोड़ लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से इसे मैंने पैक कर दिया। तो अब हम इस वायर को जो बचा हुआ है उसे हम कट कर देंगे। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर वायर्स को भी कनेक्ट करना होगा। तो वीडियो को पूरा आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा। ये फेक वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है। मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको इसे बताता हूँ कि इसे बनाना किस तरह से है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कॉपर वायर को ले लिया है। अब हमें इस वायर को लगा लेना है रेजिस्टेंस के पॉइंट पर। तो सबसे पहले हमें सिविल जो पाइप है उसे हमें इसमें फिट कर देना, क्योंकि ये वायर भी हीट होगा तो ये भी जल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पर जो स्लीप पाइप है उसे मैं इसमें फिट कर दे रहा हूँ वायर को। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे पर तो दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो गाइस हमने यहाँ पर सिंपली अब वायर को भी कनेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें जो ये लकड़ी का टुकड़ा लिया था उसमें हमें इसे फिट कर देना ऊपर के पॉइंट में। आप सेम स्टेप से अगर बनाओगे तो ये अच्छी तरह से ये वर्क करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हम इसमें कॉपर वायर को लगा देंगे। ये मेरे पास 2 mm का कॉपर वायर है। आपके पास सिंपली ये पतला वाला होगा तो सिंपली आप उससे भी लगा सकते हो, या कोई भी आपके पास वायर होगा, या अगर आपके पास वायर नहीं होगा तो सिंपली आप धागे का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमने इसे भी पूरी तरह से पैक कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से इसे टाइट कर लेना, क्योंकि ये सोल्डरिंग जब गर्म होगी तो ये हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब हमें बैटरी में इसे कनेक्ट करना है। तो गैस मैं आपको इसे पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा, ये 5 वोल्ट से चलेगा या 9 वोल्ट की बैटरी से या 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन मैंने इसमें आपको अलग अलग कनेक्शन यहाँ पर कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट का मैंने वायर निकाला है और वो बगल वाला है वो 9 वोल्ट का है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 वोल्ट से चला करके दिखाऊंगा, जो मोबाइल की एक बैटरी है उससे मैं आपको पहले इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये काम करता है या नहीं। तो सिंपली आप मैं वायर्स को इसमें लगा लेता हूँ। तो ये सोल्डरिंग का पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी लगा सकते हो, ये अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। तो आप वीडियो को देखिए पूरा एंड तक। तो हमने आप सिंपली इसे लगा दिया। तो गाइस हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोल्डरिंग गर्म होने में थोड़ी सी टाइम लेती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये गर्म हो गई है। मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए। तो गाइस ये अच्छी तरह से वर्क करता है, इसकी गारंटी मैं आपको लेता हूँ, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये जल्दी ख़राब, ये सोल्डरिंग ख़राब जल्दी नहीं होगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो गाइस आपको ये सोल्डरिंग 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना, अगर 10 मिनट से आप ज़्यादा चलाते हो तो ये खराब भी हो सकता है। तो गाइस हमने देखा ये कितनी अच्छी तरह से वर्क किया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।